हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक और एंड टू एंड प्रोजेक्ट करने वाले हैं। सो अभी रिसेंटली मैं डीप लर्निंग पर बहुत काम कर रहा था। कुछ प्रोजेक्ट्स थे मेरे पास जो मुझे कंप्लीट करने थे, तो अलॉन्ग द वे मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज आ रहे थे। सो इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जो कुछ दिन पहले मुझे एक आइडिया स्ट्राइक किया। आइडिया बहुत सिंपल है कि आपने शायद पहले कभी इस तरह के एप्स यूज किए होंगे जहां पर अगर आप अपनी फोटो अपलोड करो तो वो ऐप बताता था कि आपकी शक्ल या आपका फेस किस सेलिब्रिटी से मिलता है। ठीक है, तो हम वैसे ही एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे जहां पर आप अपना या फिर अपने फ्रेंड्स का या किसी रिलेटिव का फोटो अपलोड करोगे और वो वेबसाइट हमारे डेटाबेस में से सर्च करेगा कि किससे आपका फेस मिलता है और आपको उस सेलिब्रिटी का फोटो दिखाएगा। ठीक है, अब ये डीप लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट है, सो आपको थोड़ा बहुत डीप लर्निंग का आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ लिंक्स ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। बट प्रोजेक्ट ऑन द होल इजी है, आपको बस वर्क फ्लो समझना है और बस उसको कोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी डेमो बना रखा है, आप अगर एक बार डेमो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी द डेमो। सो गाइज, दिस इज द डेमो ऑफ द प्रोजेक्ट विद सेलिब्रिटी आर यू। सो यहाँ पर हम एक फोटो अपलोड कर सकते हैं किसी का भी, आपका, आपके फ्रेंड का, और ये वेबसाइट आपको बता देगा कि वो जो इमेज आपने अपलोड किया है उसमें जो भी बंदा है वो किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह दिखता है। ठीक है, तो मैंने कुछ इमेजेस पहले से डाउनलोड कर रखे हैं, थोड़े चैलेंजिंग से इमेजेस हैं, तो मैं आपको 4-5 डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ इस वेबसाइट के बारे में। सो हम लोग इजी वाले से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली डिफिकल्ट करते जाएंगे। सो ये रहे कुछ अलग अलग इमेजेस, जैसे कि ये इमेज है सैफली खान का, एक डुप्लीकेट है, ये उस बंदे का इमेज है। लेट्स सी ये डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं। यू कैन सी इसने डिटेक्ट कर लिया, सीम्स लाइक सैफ अली खान। और सैफ अली खान के बहुत सारे इमेजेस हैं हमारे डेटाबेस में, बट इसने वो इमेज निकाला जो सबसे क्लोजेस्ट था इस पिक्चर के। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और डुप्लीकेट है, दिस टाइम सलमान खान, एंड यू कैन सी अगेन उसने सही डिटेक्ट कर लिया कि ये सलमान खान की तरह दिख रहा है। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। मेरे पास एक रणवीर कपूर का भी डुप्लीकेट है, बट आई गेस आपको समझ में आ रहा है, कर लेगा। मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ सत्या मूवी में मनोज वाजपेयी का जो कैरेक्टर था वीकू मात्रे, तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मनोज वाजपेयी उसमें, तो लेट्स सी हमारा वेबसाइट डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं। एंड यू कैन सी ऑलरेडी वो बोल रहा है सीम्स लाइक मनोज वाजपेयी, और अगेन बहुत सारे इमेजेस में उसने वही इमेज सेलेक्ट किया जो क्लोजेस्ट लगा उसको इस इमेज के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो बहुत चैलेंजिंग मुझे पर्सनली लग रहा है वो है ये रणवीर सिंह का खिलजी, और उसमें भी उसके चेहरे पे रंग लगा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर द डीप लर्निंग मॉडल, लेट्स सी। एंड यू कैन सी अगेन बिल्कुल वही इमेज खोज के निकाला उसने जो सबसे सिमिलर था। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट और सबसे चैलेंजिंग दिखाता हूँ, और वो है अमिताभ बच्चन का पा मूवी में जो बहुत ही डिफरेंट मेकअप करवाया था और लग ही नहीं रहते कि अमिताभ बच्चन है। सो लेट्स सी, एंड यू कैन सी इसने ये भी डिटेक्ट कर लिया। सो जब मैंने ये देखा आई वॉज लाइक क्वाइट सरप्राइज्ड कि इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है ये मॉडल। द गुड पार्ट इज कि आप गूगल पे जाओ, किसी भी एक्टर का नाम सर्च करो, लेट्स से हमने शाहरुख खान किया, और शाहरुख खान की आप कोई भी इमेज को डाउनलोड कर लो, मतलब कोई भी बॉलीवुड एक्टर का कोई भी इमेज आप डाउनलोड करो। लेट्स से कोई डिफिकल्ट सा देखते हैं, पता नहीं, सब कुछ ऑब्वियस ही लग रहा है यहाँ पे। तो लेट्स से एक पुरानी इमेज उठाते हैं, हम इसको मैं सेव कर रहा हूँ बाय द नेम ऑफ शाहरुख, सेव कर लिया हमने, अपलोड करते हैं। एंड यू कैन सी डिटेक्ट कर रहा है सीम्स लाइक शाहरुख खान। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको अपना फोटो अपलोड करके दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैं किसकी तरह दिख रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके गेस कर सकते हो, दिस इज मी। सो हाईली डिसअपॉइंटेड, थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, बट या आई गेस मैं कुणाल खेमू जैसा ही देखता हूँ, मैंने मान लिया। अब आगे लाइव भर मैं खुद को कुणाल खेमू से ही कंपेयर करूंगा। सो या गाइस, दिस इज द प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप कोई भी फोटो अपलोड करो और वो आपको बता देगा कि
उस फोटो में दिखने जो इंसान है उसका शक्ल किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिलता है, ठीक है। सो आई गेस आपको प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को एंड टू एंड बनाएंगे, ठीक है। सो गाइस डेमो आपने देख लिया एंड आई बेट आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि ये पूरी चीज काम कैसे कर रही है। सो इस सेक्शन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो पूरा वेबसाइट है जो हमने बनाया अभी ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सो पूरी चीज को समझाने के पहले मैं आपको ये एक चीज दिखाना चाहूंगा, इसको हम VGG फेस बोलते हैं, ये एक CNN है, बेसिकली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, एक न्यूरल नेटवर्क है और स्पेसिफिकली डिजाइन टू डू प्रेडिक्शन ऑन इमेजेस, ठीक है। किसने बनाया? VGG ने बनाया। VGG क्या है? विजुअल ज्योमेट्रिक ग्रुप, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्च साइंटिस्ट का ग्रुप है जो विजुअल टास्क के ऊपर, न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। सो इन लोगों ने VGG फेस बोल करके एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल बनाया है जिसको आप अलग अलग तरीके से कन्फिगर कर सकते हो टू प्रिडिक्ट थिंग्स लाइक जेंडर, एथनिसिटी, हेयर कलर इन अ फोटो, ठीक है। बहुत बड़े डेटा सेट्स के ऊपर ये पहले से ट्रेंड है टू फाइंड आउट दीज थिंग्स, ठीक है। अब इस CNN की एक अच्छी बात क्या है कि अगर आप इसको इस जगह से ब्रेक कर दो, मतलब ये जो है ये इसका फुली कनेक्टेड लेयर है, अगर आपने थोड़ा भी CNN पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर आप ये फुली कनेक्टेड लेयर को हटा दो तो आप सिर्फ यहां तक का आउटपुट अगर लो तो दिस CNN कैन एक्ट एज अ फीचर एक्सट्रैक्टर। फीचर एक्सट्रैक्टर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। सो होता क्या है कि अगर आपको एक CNN को ट्रेन करना है जो जेंडर काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कर पाए एक इमेज में, तो कैसे कर पाएगा वो CNN? तो वो CNN करता क्या है कि जैसे उसको आप एक इमेज देते हो वो उसके अंदर से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। फीचर्स कुछ भी हो सकते हैं, फीचर्स हो सकता है जैसे अगर जेंडर प्रिडिक्ट करना है तो एक फीचर हो सकता है बियर्ड एंड मुस्टाश, दाढ़ी मूछ है कि नहीं, फिर थिकनेस ऑफ फेस, कलर ऑफ फेस, इस तरह से अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे ये CNN डिसाइड करेगा कि ये जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये आगे की चीज को हटा दे रहे हैं और हम सिर्फ जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं इस CNN के थ्रू हम उसको निकाल ले रहे हैं। सो हमारे पास 2048 फीचर्स आएंगे, ठीक है। अब ये फीचर्स क्या होते हैं ये हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ये फीचर्स कुछ भी हो सकते हैं जो भी हमारा CNN एक्सट्रैक्ट करे डिपेंडिंग ऑन द ट्रेनिंग डेटा। इट कुड बी कि आपके दोनों कानों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इट कुड बी आपके आंख का कलर क्या है, इट कुड बी आपके नाक का लेंथ क्या है, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी फीचर, ठीक है। सो हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि अगर आप एक 224.224 का इमेज डालोगे तो उससे हमें 2048 फीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो इतना डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको पूरा का पूरा वर्क फ्लो समझाता हूँ हमारे प्रोजेक्ट का। सो हमारे प्रोजेक्ट में क्या है कि हमारे पास बहुत सारे एक्टर्स के इमेजेस हैं, ठीक है, बॉलीवुड एक्टर्स के इमेजेस हैं, प्रिसाइजली हमारे पास अराउंड 8,000 इमेजेस। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले इन सारे इमेजेस को रिसाइज कर रहे हैं टू अ शेप ऑफ 224.224, क्योंकि हमारा जो VGG फेस है CNN वो यही साइज एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब इन सबको मैं एक एक करके अपने मॉडल को दे रहा हूं, ऊपर जो मैंने आपको मॉडल दिखाया था इस मॉडल को मैं दे रहा हूं, और फॉर एवरी इमेज मुझे एक एरे मिल रहा है जिसमें 2048 आइटम्स है, या फिर मैं यू बोल सकता हूं फॉर एवरी इमेज आई एम गेटिंग अ फीचर लिस्ट, दिस इज अ फीचर लिस्ट। सो जब ये काम मैं पूरा कर ले रहा हूं तो मेरे पास एक बहुत बड़ा 2D एरे है, 2D एरे है जहां पे अंदर में 8,000 1D arrays है, 1D array for each of the image। इसी को मैं अपना feature list बोलूंगा, जहां पे सभी के सभी Bollywood actors की जितनी भी photos हैं, उन सब का मैंने feature list बना रखा है, ठीक है। अब next काम क्या है, prediction। मैंने feature extraction तो कर लिया, अब prediction का काम है। तो prediction के time पे हम क्या करेंगे, हमारे website में कोई एक फोटो अपलोड करेगा, अपना करेगा, अपने रिलेटिव का करेगा, अपने फ्रेंड का करेगा, किसी का भी फोटो अपलोड करेगा। हम इस फोटो को सबसे पहले रिसाइज करेंगे 224.224, और हम इसको फिर क्या करेंगे,
फिर से फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे इस फोटो का यूजिंग आवर मॉडल वीजीजी फेस। तो ये मुझे एक 1D एरे देगा जिसमें 2048 आइटम्स होंगे। सो ये फीचर लिस्ट है इस इमेज का। सो अब मेरे पास इसको अगर मैं एक वेक्टर बोलूं तो मेरे पास ये एक वेक्टर है और एक दूसरा सेट ऑफ वेक्टर्स है जिसमें 8000 और वेक्टर्स है और हर वेक्टर का डायमेंशन है 2048। अब मुझे क्या करना है, एक 2048 डायमेंशनल स्पेस में सारे के सारे 8000 वेक्टर्स को प्लॉट कर देना है, ठीक है, और फिर ये जो नया वेक्टर आ रहा है इसको भी प्लॉट कर देना है और फिर इन सारे वेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। इस रेड वेक्टर का सारे के सारे ब्लैक वेक्टर से डिस्टेंस निकालना है। इन अ वे मैं कंपैरिजन निकालने का ट्राई कर रहा हूं कि ये वेक्टर इन सब में किसके क्लोजेस्ट है और जिसके भी क्लोजेस्ट है वही मॉडल हमारा रिकमेंडेशन बन जाएगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर मैं एक बार समराइज करूं तो इस ये पूरा प्रोजेक्ट 2 स्टेजेस में हो रहा है। पहला ट्रेनिंग जहां पे हम कुछ नहीं कर रहे, हम एक प्री ट्रेन्ड CNN मॉडल है VGG फेस उसको यूज करके हमारे 8000 इमेजेस का फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे मुझे एक नंपाई एरे मिल रहा है जिसका शेप है 8000 इमेजेस और हर इमेज के लिए 2048 वेक्टर्स, ठीक है, 2048 नंबर्स का एक वेक्टर, ठीक है। अब प्रिडिक्शन वाले स्टेज में आप क्या कर रहे हो, एक इमेज ले रहे हो उसको उसका भी आप फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, फिर आप इस वेक्टर का इन 8000 वेक्टर्स के साथ कोसाइन डिस्टेंस निकाल रहे हो। कोसाइन डिस्टेंस आप अलग अलग डिस्टेंस निकाल सकते हो, आप यूक्लिडियन डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, बट मेरे एक्सपेरिमेंटेशन में सबसे बढ़िया रिजल्ट कोसाइन डिस्टेंस से आ रहा था। अब जिससे भी कोसाइन डिस्टेंस मिनिमम है वही आपका सबसे सिमिलर फेस है, वही आपका सबसे सिमिलर सेलिब्रिटी है, ठीक है। सो यही पूरा लॉजिक मैंने इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये मॉडल बनाना है, बट ये मॉडल बनाना आसान काम नहीं है, इसमें काफी रिसर्च लगता है, काफी नॉलेज लगता है, आपको CNN बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और फिर आप शायद इस तरह का कुछ बना पाओ, ठीक है। आप खुद से बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट सिंस हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल ऑलरेडी था तो हम इसकी को यूज करेंगे, ठीक है। बट ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा कि आप खुद का मॉडल नहीं बना सकते, इट्स जस्ट कि उतना अच्छा शायद परफॉर्म ना कर पाए, ठीक है। तो अब हमारे पास एक आउटलाइन है, एक समरी है कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डेटा सेट कौन सा है और फिर हम लोग उसके ऊपर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अब हम लोग प्रैक्टिकली इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जो डेटा सेट यूज करने वाले हैं वो कौन सा है। सो मुझे कैगल पे ये डेटा सेट मिला, बॉलीवुड सेलेब लोकलाइज्ड फेस डेटा सेट, ठीक है। सो ये इस बंदे ने 100 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का बहुत सारे फोटोज कंपाइल कर रखे हैं इनटू फोल्डर्स एज यू कैन सी। सो ये अलग अलग फोल्डर्स है, जैसे रणदीप हुडा का फोल्डर है जिसमें रणदीप हुडा के फेसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो चीजें इसने लिख रखी है कि दिस डेटा सेट कंटेन्स द लोकलाइज्ड फेस ऑफ 100 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, विच मीन्स कि सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली मैं इसके पहले एक दूसरे डेटा सेट पर काम कर रहा था, वहां पे क्या प्रॉब्लम था कि सेम डेटा सेट था बट उस डेटा सेट में आपको फुल इमेज मिल रहा था लाइक दिस फुल इमेज। तो आपको क्या करना पड़ता इस डेटा सेट के साथ, इसमें दो प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेटा सेट बड़ा था 2GB का। सेकेंड आपको यहाँ से फेस एक्सट्रैक्ट करना पड़ता, ठीक है, उसके बाद ही आप फीचर एक्सट्रैक्शन कर पाते। सो फॉर्चुनेटली मुझे ये डेटा सेट मिल गया जहाँ पे मुझे फेस डिटेक्शन करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली फीचर एक्सट्रैक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक दो चीजें और लिखी हुई है कि सैंपल कंटेन वाइल्ड कंडीशन सच एज डिफरेंट ओरिएंटेशन इल्यूमिनेशन एंड एज ट्रांजिशन एक्सेट्रा। तो इस डेटा सेट की एक अच्छी बात यह है कि जो फोटोज है वो बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। कई फोटोज में आपको ओरिएंटेशन अलग अलग दिखाई देगा सेम एक्टर का, लाइटिंग कंडीशन डिफरेंट है और अलग अलग एज पे फोटोज ली गई है, ठीक है। तो उस तरीके से जो हमारा मॉडल बनेगा वो बहुत रोबस्ट होगा और फेस जो डिटेक्शन करेगा सेलिब्रिटीज के साथ वो बहुत ही एक्यूरेट होने का चांस है, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, इस डेटा सेट को डाउनलोड करके
एक्सट्रैक्ट कर लेना है ऑन योर डेस्कटॉप। सो गाइज मैंने डेटा सेट को डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लिया बाय द नेम ऑफ डेटा, जिसके अंदर मेरे पास सारे के सारे एक्टर्स का फोटोज फोल्डर वाइज आ चुका है। ठीक है, सो अगर आप किसी भी फोल्डर में जाओ तो यू कैन सी कि आपके पास फोटोज हैं। एक और चीज, कुछ फोटोज जो हैं वो सही नहीं है, मतलब गड़बड़ है, वो फोटोज या तो किसी और की हैं या फिर वो फोटोज बहुत क्लियर नहीं है, जैसे कि इस तरह की फोटोज। तो मैंने क्या किया, मैंने मैन्युअली जा करके फोल्डर बाय फोल्डर उन सारी फोटोज को डिलीट किया। ज्यादा नहीं थे, पर फोल्डर एक दो फोटोज थी, थोड़ा टाइम लगा, अराउंड 15 मिनट्स, बट हो गया। वो करने से थोड़ा हमारा मॉडल और इम्प्रूव करेगा, तो अगेन वो आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको पाइचार्म ओपन करना पड़ेगा, वहां पे यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम आप रख सकते हो बॉलीवुड सेलिब्रिटी प्रिडिक्टर, समथिंग लाइक दिस। इंटरप्रेटर में आपको 3.7 सेलेक्ट करना है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में नोटिस किया है कि जब भी आप टेंसर फ्लो या उसके आसपास की लाइब्रेरीज यूज करते हो, सबसे स्टेबल बिहेवियर पाइथन 3.7 का रहता है। ठीक है, तो अगेन बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड रिकमेंड पाइथन 3.7, आप कोई और भी कर सकते हो। ठीक है, एंड यू हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट यू विल डू इज यू जस्ट कॉपी दिस डेटा टू द मेन डायरेक्टरी। ठीक है, और दिस माइट टेक सम टाइम, ऑल द फाइल्स छोटी छोटी हैं। सो गाइज यू कैन सी मैंने अपना सारा का सारा डेटा यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब हम इस डेटा को यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बना रहा हूँ मैं बाय द नेम ऑफ फीचर एक्सट्रैक्टर। फीचर एक्सट्रैक्शन का काम हम इसी फाइल में करेंगे। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग बीजीजी फेस CNN यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ये सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। टेंसर फ्लो का इनफैक्ट एक डाउनग्रेडेड वर्जन यूज करना पड़ेगा, दिस इज नॉट द मोस्ट रीसेंट वर्जन ऑफ टेंसर फ्लो, बट बीजीजी फेस के साथ अगर आपको यूज करना है टेंसर फ्लो को, आपको यही पर्टिकुलर वर्जन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये सारे पिप इंस्टॉल चला लिए हैं। आप भी इसको सिंपली टर्मिनल पे जा करके रन कर सकते हो। यू हैव टू सिंपली राइट पिप इंस्टॉल mtcnn equal to 0.1.0 और मेरे केस में इट विल से रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आपके केस में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला बिट आपको ये करना है कि ये लाइब्रेरीज एज इट इज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट ठीक से काम नहीं कर पाएगा। सो अब यहाँ से गाइज हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये है कि हमारी जितनी भी फाइल्स हैं हम उनका कंप्लीट पाथ एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको एक लिस्ट में स्टोर करेंगे। वो लिस्ट हमें बाद में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, यू हैव टू सिंपली राइट इम्पोर्ट ओएस, ओएस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करो, और सबसे पहले आई वुड लाइक टू फेच द नेम ऑफ ऑल द एक्टर्स। सो मैं लिखूंगा लिस्ट डायरेक्टरी, मेरे डायरेक्टरी का नाम है डेटा और ये मेरा एक्टर्स हैं, ये सारे एक्टर्स हैं, एंड आई विल सिंपली प्रिंट आउट एक्टर्स के अंदर जो भी है। लेट मी शो यू आउटपुट क्या है, एंड यू कैन सी अब मेरे पास एक पाइथन लिस्ट है जिसमें हर एक्टर का नाम है। ठीक है, इस ऑर्डर में आमिर खान, अभय देओल, अभिषेक बच्चन, ये सारे नाम मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, हर बार एक एक करके फोल्डर्स में घुसना है। सबसे पहले मुझे आमिर खान के फोल्डर में घुसना है, सारे इमेजेस को निकालना है, उनके फाइल नेम्स को उठाना है और एक लिस्ट में डालते जाना है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ पाइथन लिस्ट जिसका नाम है फाइल नेम्स। अब यहाँ पे मैं दो लूप्स चलाऊंगा, पहला होगा फॉर एक्टर इन एक्टर्स, ये लूप 100 times चलेगा। अब हर बार इस लूप के अंदर व्हाट आई विल डू इज आई विल गो डाउन फॉर फाइल इन ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, और हम कौन सी डायरेक्टरी में घुस रहे हैं, हम घुस रहे हैं ओएस डॉट पाथ डॉट
ज्वाइन, हम घुस रहे हैं डेटा कॉमा एक्टर, हम इस डायरेक्टरी में घुस रहे हैं, ठीक है। सो हम हर बार क्या कर रहे हैं, एक एक्टर को पकड़ रहे हैं और फिर हम इस डायरेक्टरी में घुस रहे हैं, ठीक है। ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी में हमने पाथ क्या दिया, डेटा के अंदर करेंट एक्टर। अब उसकी हर फाइल को हम पकड़ रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, फाइल नेम्स में फाइल नेम्स डॉट अपेंड कर रहे हैं, और हम अपेंड क्या कर रहे हैं, ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, तीन चीजें। पूरा पाथ चाहिए मुझे तो सबसे पहले मुझे सबसे आउटर फोल्डर बताना पड़ेगा डेटा, उसके बाद कौन सा एक्टर का फोल्डर है, और उसके बाद उस करेंट फाइल का नाम विच इज स्टोर्ड इनसाइड फाइल, ठीक है। और इतना करने के बाद अगर मैं प्रिंट करूं फाइल नेम्स, और मैं अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊं लेंथ क्या है फाइल नेम्स का, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं। एंड यू कैन सी हमारे पास टोटल मिला के 8566 फाइल्स हैं, यानी इमेजेस हैं। और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक्टर का उठाओ तो ये कंप्लीट पाथ है, ये देखो डेटा यामी गौतम और फिर यामी गौतम डॉट 131.jpg। अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं तो हमें आमिर खान की फाइल्स दिखाई देंगी, ये रही पहली फाइल, डेटा के अंदर आमिर खान, आमिर खान के अंदर आमिर डॉट 100.jpg। विल जस्ट चेक ये सही बात है कि नहीं, या यू कैन सी आमिर डॉट 100.jpg, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट काम कर लिया। अब सिंस हमें इसको आगे यूज करना है, व्हाट वी विल डू इज वी विल पिकल इट, हम इसको एक बाइनरी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए हमें इंपोर्ट करना है पिकल मॉड्यूल, और यहाँ पे मुझे बस लिखना है पिकल डॉट डंप, क्या चीज को डंप करेंगे, फाइल नेम्स को, ओपन फाइल का नाम हो जाएगा फाइल नेम्स डॉट pkl, और इसको हम लोग राइट बाइनरी मोड में डंप कर रहे हैं। और अब हम इसको रन करेंगे, जैसे ही हमारे पास एक फाइल आ जाएगी, लेकिन सी कोड रन हो गया एंड दिस इज द फाइल फाइल नेम्स डॉट pkl, ठीक है। इसी फाइल के अंदर सारे के सारे एक्टर्स के सारे इमेजेस का पाथ है, ठीक है, और इसी को हम यूज करेंगे फीचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो अब ये जो कोड है इसकी हमें जरूरत नहीं है, सो व्हाट आई विल डू इज इसको कमेंट आउट कर देते हैं। सो गाइस अब यहाँ से हम लोग मेन फीचर एक्सट्रैक्शन वाला काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो हम सबसे पहले टेंसर फ्लो से केराज में घुस करके प्री प्रोसेसिंग में इमेज को इम्पोर्ट करेंगे, बिकॉज हमें इमेज के साथ काम करना है। उसके बाद हमें हमारी जो मेन लाइब्रेरी है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए केराज VGG फेस, उसके यूटिल एज एन यूटिलिटी फोल्डर से हमें प्री प्रोसेस इनपुट फंक्शन चाहिए, और लास्टली हमें अगेन केराज VGG फेस मॉड्यूल से VGG फेस फंक्शन चाहिए, ठीक है। ये तीन चीजें हम इंपोर्ट करेंगे, और NumPy भी इंपोर्ट कर लेते हैं बिकॉज हमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी। अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हमने जो फाइल नेम्स जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें पिकल की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल नेम्स इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन हमारे फाइल का पार्ट, सेम फोल्डर में है तो फाइल नेम्स डॉट pkl, और उसको हम लोग रीड बाइनरी मोड में ओपन करेंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हमारा मॉडल बिल्डिंग करेंगे। सो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ मॉडल, और ये एक VGG मॉडल है, VGG फेस मॉडल है। इंटरनली जो CNN मॉडल ये यूज कर रहा है वो होगा ResNet 50, ओके। और इसका टॉप लेयर हम हटा देंगे, सो इंक्लूड टॉप का वैल्यू हम फॉल्स रखेंगे, और इनपुट शेप जैसा कि ज्यादातर CNN मॉडल्स के साथ होता है वो वही रहेगा 224, 224, 3,
एंड लास्टली आप पूलिंग लेयर जो है आपका वो आप एवरेज रखोगे, ठीक है, एंड दैट्स आवर मॉडल। एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रिंट कर सकते हैं मॉडल डॉट समरी। लेट्स सी हमारा मॉडल कैसा दिख रहा है। सो ये सब कुछ अभी टेंसरफ्लो का लॉग्स दिखाई देगा स्क्रीन पर, लाइक दिस इज ऑल द लॉग्स, और फिर लास्ट में हमें हमारा समरी दिखाई देगा। एंड यू कैन सी दिस इज द समरी, इट्स अ सीएनएन आर्किटेक्चर जहाँ पे खूब सारे कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स यूज हुए हैं और उसके अलावा आपकी पूलिंग लेयर्स यूज हुए हैं, और इवेंचुअली लास्ट में देयर इज अ ग्लोबल एवरेज पूलिंग लेयर, ठीक है। टोटल पैरामीटर्स हैं बहुत सारे, उसमें से ट्रेनेबल इतने हैं और नॉन ट्रेनेबल इतने हैं, ठीक है। हम इसी को यूज करेंगे टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम आर इमेजेस। सो अब गाइस सिंस हमारा मॉडल रेडी है, अब हम लोग आगे का वर्क फ्लो लिखेंगे जहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका मेन काम होगा फीचर एक्सट्रैक्ट करके देना, अगर आप उस फंक्शन को एक इमेज दे रहे हो। तो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन एंड लेट्स कॉल इट फीचर एक्सट्रैक्टर, और इसको दो चीजें चाहिए होंगी, इमेज का पाथ और मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे तीन स्टेप्स में काम होगा। सबसे पहले आप इमेज को लोड करोगे, उसके लिए आप इमेज जो आपने फंक्शन को कॉल किया है, इंपोर्ट किया, हम उसको यूज करेंगे, इमेज डॉट विल कॉल लोड इमेज, और यहाँ पर विल पास द इमेज पाथ, एंड हम लोग टारगेट साइज भी बता देंगे। टारगेट साइज जो रहेगा वो 224.224 रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं सबसे पहले, लेट्स कॉल इट इमेज। अब हम इस इमेज को नंपाई एरे में कन्वर्ट करेंगे, सो वी वुड राइट इमेज डॉट इमेज टू एरे बोल के एक फंक्शन होता है, हम उसमें पास करेंगे आईएमजी को, और यहां से हमें मिल जाएगा एक एरे, लेट्स कॉल इट इमेज एरे। अब इस इमेज एरे का जो शेप होगा वो एक सिंगल इमेज के जैसा होगा, हम इसको बैच ऑफ इमेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमें एक्सपैंड डिम्स यूज करना है, एक्सपैंड डिमेंशंस, उसके लिए हम नंपाई को यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे वी हैव टू पास इमेज एरे, एंड हमें साथ ही साथ एक्सेस जीरो बताना पड़ेगा। इस ऑपरेशन के बाद क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा शेप ऐड हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड हो जाएगा, और ये सिंगल इमेज से बैच ऑफ सिंगल इमेज बन जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपैंडेड आईएनजी। अब एक लास्ट स्टेप में हमें बस क्या करना है, मॉडल को देने के पहले इस इमेज को हमें इसको प्री प्रोसेस करना है, जिसके लिए हमने ऊपर प्री प्रोसेस इनपुट कॉल किया था। Now we would call pre-process input and will pass the expanded image, और हमें उससे मिल जाएगा pre-processed image, pre-processed image, ठीक है। अब हमारा image ready है, अब last step में हमें बस क्या करना है, model में इस image को feed करा देना है, और जैसे आप feed करा दोगे ये model क्या करेगा, features extract करेगा इस image के अंदर से, और वो आपको दे देगा। So, यहाँ पे हम प्री प्रोसेस इमेज डाल रहे हैं, और जो भी रिटर्न होगा, जितने भी फीचर्स रिटर्न होंगे वो मुझे 1D में चाहिए, तो मैं फ्लैटन लेयर को यूज करूंगा उसके लिए, और जो भी मेरे पास नंबर्स आएंगे, जो एरे आएगा, उसको मैं रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, और उसी को मैं रिटर्न कर दूंगा चुपचाप। सो आई विल रिटर्न रिजल्ट, ठीक है, एंड दिस इज द मेन फंक्शन। अब बस हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट बनाना है, पाइथन लिस्ट, लेट्स कॉल इट फीचर्स, जहां पे हम सारे इमेजेस के सारे फीचर्स को स्टोर करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे फॉर फाइल इन फाइल नेम्स, ठीक है। इस लूप को आप TQVM के अंदर भी चला सकते हो, क्योंकि ये लूप टाइम लेगा चलने में, तो आपको प्रोग्रेस पता चलती रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम TQDM वी विल इम्पोर्ट द TQDM फंक्शन, और यहां पे विल जस्ट राइट इट लाइक दिस। फॉर एवरी फाइल इन फाइल नेम्स
we will call feature extractor and we will pass the file. So har file ka part mere paas hai aur saath hi saath mere paas ek model bhi hai, main model bhi pass kar dunga. और ये फंक्शन क्या करेगा, ये मुझे पलट करके उस पर्टिकुलर फाइल उस पर्टिकुलर इमेज के सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके देगा और उसको मैं क्या करते जाऊंगा, मैं फीचर्स में अपेंड करते जाऊंगा. इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, मैं आपको सिर्फ फर्स्ट वाले का शेप प्रिंट करके दिखाता हूँ. यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलेगा और मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ रिजल्ट का शेप क्या है. और एक ही करने के बाद हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है. दिस इज आवर कोड. एक बार हम इसको रन कर रहे हैं एंड यू कैन सी दिस इज द कोड एंड दिस इज द आउटपुट. 2048 डायमेंशन का एक वेक्टर है मेरे पास. तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था व्हाइल डिस्कसिंग द एंटायर फ्लो कि हर इमेज से हम 2048 फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. वो फीचर्स क्या है वो हमें भी नहीं पता, बट ये 2048 फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो गए इस पर्टिकुलर इमेज से. सो हर इमेज से 2048 फीचर्स का एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर को हम फीचर्स में अपेंड करते जाएंगे, ठीक है. सो आई जस्ट रोल बैक एंड अपेंड करते जाते हैं लाइक दिस. अब ये कोड काफी देर तक चलेगा बिकॉज हर इमेज के ऊपर आपका मॉडल रन करेगा, प्रिडिक्शंस करेगा, फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको आप लिस्ट में अपेंड कर रहे हो. तो एक लास्ट काम आपको क्या करना चाहिए, आपको पिकल डॉट डंप करना चाहिए आपके फीचर्स को. और लेट्स कॉल दिस फाइल टू बी इक्वल टू एम्बेडिंग्स, क्योंकि ये एम्बेडिंग है और इसको हम लोग राइट बाइनरी बोर्ड में राइट कर देंगे, ठीक है. अब इस कोड को मैं रन करता हूं और अब ये थोड़ा टाइम लेगा. एंड यू कैन सी ये चल पड़ा है, अब अराउंड 5 मिनट्स बोल रहा है कि टाइम लगेगा. तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूं और इसके कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि रिजल्ट कैसे आ रहे हैं. सो गाइस ये कोड पूरा रन करके है एंड यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास embedding.pkl बोल के फाइल आ चुकी है, ठीक है. अब हम लोग इसी को यूज करेंगे टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स एंड कंपेयर न्यू फोटोज टू एग्जिस्टिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज. तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इमेजेस चाहिए, कुछ नई इमेजेस चाहिए. तो मैं यहाँ पर एक नई डायरेक्टरी बना रहा हूँ बाय द नेम ऑफ सैम्पल और इसके अंदर मैं कुछ फोटोज को पेस्ट कर रहा हूँ. मेरे पास ऑलरेडी कुछ फोटोज हैं, ये 6-7 फोटोज हैं जो मैंने आपको डेमो में दिखाया भी था. यू कैन सी दीज आर द फोटोज, हम इनके अगेंस्ट ही टेस्ट करेंगे. तो सबसे पहले हमें एक काम करना है, हमें एक नई फाइल बनानी है पाइथन फाइल्स और हम इसको बोलेंगे टेस्ट. यहाँ पे हम टेस्ट रन करेंगे. टेस्ट रन करते टाइम 3 स्टेप होंगे. सबसे पहला स्टेप होगा लोड इमेज एंड एक्सट्रैक्ट इट्स फीचर्स. नए इमेज के फीचर्स आप एक्सट्रैक्ट करोगे. उसके बाद यू विल फाइंड द कोसाइन, एक्चुअली कोसाइन डिस्टेंस ऑफ करेंट इमेज विथ ऑल द 8655 फीचर्स जो हमने एक्सट्रैक्ट किए थे. और फिर आपको जो नियरेस्ट कंपैरिजन करने के बाद मिलेगा, यू जस्ट रिकमेंड दैट फीचर, रिकमेंड दैट इमेज, ठीक है. दैट्स इट. ये 3 लाइंस में आपको ये पूरा कोड करना है. सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम बस ये है कि लोड इमेज, अब यहाँ पे जो इमेजेस आपके पास है जैसे कि ये जो इमेज है या फिर आप ये इमेज ले लो, अब ये पूरा का पूरा इमेज है, हमें इसके अंदर से फेस एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो एक्चुअली यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप आ रहा है फेस डिटेक्शन का, ठीक है. हमें फेस डिटेक्ट करना है और फिर उस डिटेक्टेड फेस के फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे होगा ये पूरी चीज. सो सबसे पहले हमें कुछ इम्पोर्ट्स लेने पड़ेंगे, जितने भी नेसेसरी इम्पोर्ट्स हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं.
ये वीजीजी फेस वही है जो हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था. नंपाई चाहिए, पिकल चाहिए बिकॉज अनपिकल करना है. कोसाइन सिमिलैरिटी को मैंने इंपोर्ट किया है साइकिटलर्न से, और ओपन सीवी को इंपोर्ट किया है, और एमपी सीएनएन को इंपोर्ट किया है, और पीआईएल को भी इंपोर्ट किया है. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फीचर लिस्ट है एज इन जो एम्बेडिंग है उसको हम लोग इम्पोर्ट करेंगे. सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल, लेट्स कॉल इट फीचर लिस्ट, एंड दिस विल बी इक्वल टू पिकल डॉट लोड. यहाँ पे मैं ओपन के अंदर बता दूंगा पाथ एम्बेडिंग डॉट पीकेएल. इसको हम लोग रीड बाइनरी बोर्ड में ओपन करेंगे. अब ये पाइथन लिस्ट है, इसको मैं पहले ही एनपी डॉट एरे करके नंपाई एरे में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे आगे नंपाई एरे की जरूरत हो सकती है. उसके बाद मुझे सारे के सारे फाइल नेम्स चाहिए, क्योंकि जब हम कंपेरिजन करेंगे तो हमें हर फाइल का नाम पता होना चाहिए. सो अगेन वी वुड राइट पिकल डॉट लोड ओपन, और ओपन के अंदर हम पास करेंगे फाइल नेम्स डॉट पीकेएल, और अगेन हम इसको रीड बाइनरी मोड में ही ओपन करेंगे. ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना मॉडल बिल्ड करना है, और मॉडल एग्जैक्टली वही होगा जो हमने यहाँ पे यूज किया था. सो आई विल सिंपली कॉपी दिस लाइन, दिस विल एक्ट एज आवर मॉडल. मॉडल भी बन गया, और एक काम और कर लेते हैं, एक एम्प्टी सीएनएन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. लेट्स कॉल इट डिटेक्टर. एम्प्टी सीएनएन का ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक इमेज को लोड करेंगे. सो लेट्स कॉल इट सैंपल इमेज इज इक्वल टू, इसके लिए हम सीवी टू को यूज करेंगे, सीवी टू एज एन ओपन सीवी, एंड वी विल रीड द इमेज आई एम रीड, और यहाँ पे हम पाथ पास करेंगे हमारे इमेज का. सैंपल के अंदर लेट्स से हम रणवीर कपूर का एक डुप्लीकेट है, हम उसका इमेज लोड कर रहे हैं दिस इमेज, और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे. सो ये हो गया हमारा इमेज. अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इमेज के अंदर से फेसेस को एक्सट्रैक्ट करना है. सो उसके लिए डिटेक्टर ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन होता है डिटेक्ट फेसेस. अगर आपने मेरा पिछला फेस डिटेक्शन का वीडियो देखा होगा आपको आइडिया होगा. यहाँ पे हम पास कर देंगे हमारा सैंपल इमेज को, और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम रिजल्ट्स में स्टोर कर देंगे. सो यू नो कि रिजल्ट्स में जितने भी फेसेस हैं उन सबका डिस्क्रिप्शन आ जाता है. सो सबसे पहले हम लोग एक्स कॉमा वाई कॉमा विड्थ कॉमा हाइट एक्सट्रैक्ट करेंगे, बेसिकली जो फेस का जो बॉक्स है उससे, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट का जीरो आइटम का बॉक्स को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, उससे एक नया वेरिएबल बनाएंगे फेस. बेसिकली हम क्रॉप कर रहे हैं जो ओरिजिनल इमेज है उसके अंदर से फेस को क्रॉप कर रहे हैं, और हम लिख रहे हैं आई एम जी, एक्चुअली सैंपल इमेज है हमारा, और इसके अंदर हम लोग क्रॉप कर रहे हैं. तो पहले हम बताएंगे हाइट के टर्म्स में, हमें चाहिए वाई से लेकर के वाई प्लस हाइट तक, और एक्स से लेकर के एक्स प्लस विड्थ तक. ठीक है, और इतना करके मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ सीवी टू डॉट आई एम शो कि हमारा जो फेस है वो डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं. यहाँ पर लेट्स कॉल इट आउटपुट, और यहाँ पे लेट्स पास आवर फेस. ठीक है, लेट्स रन दिस कोड. और अनफॉर्चुनेटली हमने एक लास्ट पीस नहीं लिखा कोड का. हमें अगर ओपन सीवी का आउटपुट देखना है तो हमें वेट की में जीरो पास करना होता है, सो दैट जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर रखे. ये प्रॉब्लम है ओपन सीवी के साथ, एंड यू कैन सी फेस डिटेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो जो स्टेप वन था हमारे पूरे फ्लो का, जो हमने यहाँ पे देखा था लोड इमेज एंड डिटेक्शन ऑफ फेस, ये हमने कर लिया. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो डिटेक्टेड फेस है उससे हमें फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना है. सो गाइस हमारा स्टेप वन तो हो चुका है, एक काम करते हैं इसको सही से लेबल कर लेते हैं. यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये काम. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम है एक्सट्रैक्ट करना फीचर्स को. तो इसको यहाँ पे डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, ये कोड मैं हटा रहा हूँ. और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले सही फॉर्मेट में लेके आते हैं ये जो फेस बोल के हमारे पास इमेज है. तो सबसे पहले हम लोग एक इमेज
क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग PIL. हमारे पास इमेज है PIL के अंदर से, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम एरे, क्योंकि फेस इज एन एरे. तो हमने एक इमेज क्रिएट किया, PIL इमेज क्रिएट किया. अब हम उस इमेज को रिसाइज कर लेंगे, इमेज इमेज डॉट रिसाइज. PIL के बदले व्हाट वी शुड डू इज हमें हमारे पास इमेज बोल के भी आई थिंक आई मिस्ड इट, इमेज डॉट रिसाइज. अच्छा सही है, आई गॉट कंफ्यूज एक्चुअली. ये एक PIL ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली रिसाइज एट्रीब्यूट आता है. ठीक है, अब हम इसको रिसाइज कर लेंगे. यहाँ पर एक टपल पास कर दोगे आप 224 और इसको आप स्टोर कर सकते हो फिर से इमेज में. अब हम क्या करेंगे, इसको वापस numpy array में कन्वर्ट करेंगे. सो वी वुड राइट एंट्री डॉट एज array, और यहाँ पे हम इमेज को पास कर देंगे, और इसको हम बोल सकते हैं फेस array. और अब बस हमें क्या करना है, इसको एक बैच ऑफ इमेजेस में कन्वर्ट करना है. उसके लिए वी वुड राइट एंट्री डॉट एक्सपैंड dimensions and we would pass face array. और यहां पर what we will do is we'll just pass it. अच्छा, इसके पहले हमें एक काम और करना चाहिए कि हमें explicitly जो सारे numbers हैं इस array के अंदर उसको float बता देना चाहिए, क्योंकि मैंने last time जब किया था तो ये गड़बड़ हुई थी. So what we will do is we would write this code. We would write face array is equal to face array dot as type. यहाँ पे I have to just tell कि ये सारे numbers float में convert हो जाने चाहिए. ठीक है, और अब हम expand them करेंगे. यहाँ पे will pass our face array and x is equal to 0, और इसको हम लोग लिख सकते हैं expanded image. ये आगे का flow अब बिल्कुल same है. next हमें pre-process करना है, so we would write प्रीप्रोसेस इनपुट. यहाँ पे हम पास कर देंगे एक्सपैंडेड इमेज को, और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं प्रीप्रोसेस्ड इमेज को लाइक दिस. अब बस लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमारे मॉडल को ये प्रीप्रोसेस्ड इमेज पास करना है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट प्रीप्रोसेस्ड इमेज, और इसको फ्लैटन कर देना है सो दैट सब कुछ वन डायमेंशन में आ जाए, और यही हमारा रिजल्ट होगा लाइक दिस. और अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये रिजल्ट क्या है, साथ ही साथ मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं रिजल्ट डॉट शेप. ठीक है, 2048 होना चाहिए. एक बार इसको रन करते हैं, एंड यू कैन सी ये एक बड़ा सा एरे है जिसमें 2048 आइटम्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो 2048 फीचर्स हैं रणवीर कपूर वाले इमेज के. ठीक है, अब स्टेप टू इज कंप्लीट, हमने फीचर्स के एक्सट्रैक्ट कर लिए. अब हमें क्या करना है, ये जो रिजल्ट है ये एक वेक्टर है जिसमें 2048 आइटम्स हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे फीचर लिस्ट में जो 8655 वेक्टर्स हैं उन सब के साथ. तो हमारा जो वेक्टर है उसको हम 8655 वेक्टर्स के साथ उसका कोसाइन डिस्टेंस निकालेंगे, कोसाइन सिमिलैरिटी निकालेंगे, और जिस वेक्टर के साथ कोसाइन सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा होगी हम उसी को सेलेक्ट करेंगे एज आर रिकमेंडेशन. सो अब हम लोग फाइनल स्टेप करेंगे विच इज कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ सैम्पल इमेज विथ ऑल द फीचर्स. ठीक है, इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें कोसाइन सिमिलैरिटी यूज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं सिंपल तरीके से स्टार्ट करता हूँ, और हमारा जो सैम्पल इमेज है उसका कंपैरिजन या उसका सिमिलैरिटी आपको निकाल के दिखाता हूँ फीचर लिस्ट का जो पहला वेक्टर है उससे. ठीक है, कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है. आपको कॉल करना है कोसाइन सिमिलैरिटी फंक्शन को. यहाँ पे आप दो वेक्टर्स प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है, पहला वेक्टर क्या होगा, रिजल्ट. ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या होगा, फाइल
names, actually file names नहीं, feature list का zeroth vector, ठीक है? अब problem क्या है कि इसको ये दोनों चीजें 2D में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको reshape कर देंगे 1, -1, और इसको भी हम reshape कर देंगे 2, -1, और जो भी result आएगा उसको हम print करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। और अब हमें इन दोनों को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, सो आई विल जस्ट कमेंट दिस आउट सो दैट आप बाद में टेस्ट कर पाओ। एंड यू कैन सी कि एक एरे के अंदर, एक और एरे में मुझे बता रहा है कि जो सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में, इन दोनों इमेजेस के बीच में, वो 0.31 है, ठीक है? अब सिमिलैरिटी को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम जीरो का जीरो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब हम ये कोड लिख सकते थे 0 का 0, ये हमें सिमिलैरिटी एग्जैक्टली निकाल के दे देगा, एंड दिस इज द सिमिलैरिटी स्कोर। तो बस यही काम हमें लूप में करना है। सो व्हाट वी विल डू इज हम लोग लिखेंगे फॉर आई इन लेंथ ऑफ फीचर लिस्ट, ये लूप 8655 times चलेगा, और हर बार लूप के अंदर हमें क्या करना है, हमें सिमिलैरिटी कैलकुलेट करना है रिजल्ट और करंट आइटरेशन वाले इमेज का, ठीक है? तो कोड बहुत सिंपल है, हम इस कोड को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, और ऊपर हम लोग एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं सिमिलैरिटी बोल के। इसी में हम सारे के सारे जो सिमिलैरिटी स्कोर्स आएंगे उसको स्टोर करेंगे। सो रिजल्ट का फर्स्ट इमेज के साथ सिमिलैरिटी, रिजल्ट का सेकंड इमेज के साथ सिमिलैरिटी, रिजल्ट का 8655 इमेज के साथ सिमिलैरिटी को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंपली राइट, रादर देन प्रिंट वी हैव टू राइट सिमिलैरिटी डॉट अपेंड, ठीक है? और हमने अपेंड कर लिया सारा का सारा। अब अगर मैं नीचे जाऊं, I can just print out similarity. Actually, मैं आपको length of similarity निकाल के दिखाता हूँ। Length of similarity, ये एक list होगा जिसमें और कितने list होंगे? नहीं, इसमें बस 8655 items होंगे, simple है। So अगर मैं इसको run करूँ, थोड़ा time लगेगा। Okay, हमने एक गलती की, वो गलती ये है कि हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर लिस्ट का ith आइटम को निकालना है, ये पहली गलती है। और दूसरी गलती ये है कि हमें इसको रेंज के अंदर रखना है, सिली मिस्टेक, ठीक है? अब हम इसको रन करेंगे एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। हमारे पास सिमिलैरिटी बोल के लिस्ट है जिसमें 8566 सिमिलैरिटी स्कोर्स है, और वो स्कोर्स क्या है, हमारा जो सैंपल इमेज है उसका हमने कोसाइन डिस्टेंस निकाला विद ईच ऑफ आर इमेजेस जो हमारे पास पहले से थे। और अब हमें क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है, हमें सिमिलैरिटी स्कोर के बेसिस पे सॉर्ट करना है, और जिसकी सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा होगी उस इमेज को रिकमेंड करना है। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम कि हम फाइल नेम्स जो वेरिएबल है यहां से हम नाम रिकमेंड करेंगे, और ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में सिमिलैरिटी अभी है, बट जैसे आप सॉर्ट करोगे ये सिमिलैरिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा और फिर आप फाइल नेम से नाम रिकमेंड नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्यूमरेट करना पड़ेगा। सो वी वुड राइट इन्यूमरेट, और हम इन्यूमरेट करेंगे सिमिलैरिटी को और उसको लेंथ में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इस पूरी चीज से क्या होगा कि लेट मी शो यू इस पूरी चीज से क्या होगा। सो अगर मैं इसको प्रिंट करूं, यू वुड अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। हम बेसिकली इंडेक्सेस ऐड कर रहे हैं, एंड यू कैन सी, देखो यहां से आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। सो यहां पर आपके पास हर आइटम जो है वो एक टपल है, और उस टपल के अंदर दो चीजें हैं। सो एक बार मैं ऊपर लेके जाता हूँ सो दैट मैं आपको समझा पाऊं। या देखो, सो ये टपल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी, हमारा जो सैंपल इमेज है, हमने जो सैंपल इमेज लिया उसका हमारे
पूरे डेटा का जो फर्स्ट इमेज है उसके साथ सिमिलैरिटीज को रखना है। ये टपल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो सैम्पल इमेज है उसका हमारे डेटा के सेकेंड इमेज के साथ इतना सिमिलैरिटी स्कोर है। ये टपल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो सैम्पल इमेज है उसका हमारे डेटा के थर्ड इमेज के साथ इतना सिमिलैरिटी स्कोर है। सो हमने इंडेक्स कर दिया सब चीजों को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉर्ट करेंगे इस लिस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेकेंड आइटम सो दैट ये फिर भी वैसा का वैसा ही रहे, ठीक है। तो वट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंपली डू दिस, आई गो बैक एंड आई वुड जस्ट राइट सॉर्टेड, और सिंस मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है मैं लिखूंगा रिवर्स इक्वल्स ट्रू। अब देखो आउटपुट क्या होगा। अब अगर इस कोड को मैं रन करूंगा सॉर्टिंग होगी बट टपल का जो फर्स्ट आइटम है उसके बेसिस पे होगी। इसका मतलब 866 8655 वाला जो इमेज है वो सबसे पहले आ जाएगा, और हमने प्रिंट ही नहीं किया। एक बार हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। And this is the result. एक बार स्क्रोल करके ऊपर जा रहा हूँ मैं, एंड यू कैन सी सॉर्टिंग हुआ बट सबसे पहले ये इमेज आ रहा है, ठीक है। मुझे सॉर्टिंग इस नंबर के बेसिस पे करनी थी, सो वट आई विल डू इज आई जस्ट राइट अ स्मॉल कोड, यहाँ पे मैं लिखूंगा की इज इक्वल टू लैमडा, और लैमडा फंक्शन में मैं लिखूंगा एक्स एक्स का वन, ठीक है। बेसिकली मैंने बोला कि टपल के सेकेंड आइटम के बेसिस पे सॉर्टिंग करो, एंड नाउ दिस इज द रिजल्ट। सो अगर हम एकदम ऊपर जाएं, ये रहा। सो ये जो इमेज है ना ये सबसे सिमिलर है हमारे सैंपल इमेज के, 0.6 का सिमिलैरिटी स्कोर है। तो अब हमें इस इमेज को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हम इस लिस्ट में से जीरो आइटम को निकाल लेंगे। सो आई वुड नॉट प्रिंट इट आउट नाउ, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के जीरो आइटम को निकालेंगे और उसके जीरो आइटम को निकालेंगे तो हमें इंडेक्स पोजीशन मिल जाएगा उस इमेज का जो सबसे सिमिलर है मेरे सैंपल इमेज के। और अब मैं क्या करूंगा, ओपन सीवी यूज करके उसको डिस्प्ले करूंगा। सो आई वुड राइट cv2 dot im show, यहाँ पे हम लिखेंगे आउटपुट कॉमा, एंड वी वुड राइट सबसे पहले मैं एक्चुअली रीड करना चाहिए इस चीज को, इस इमेज को रीड करना पड़ेगा। cv2 dot im read, यहाँ पे आई वुड राइट फाइल नेम्स का इंडेक्स पोजीशन पे जो भी आइटम है उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, और उसी को हम बोल देंगे लेट्स कॉल इट टेम्प इमेज, टेम्प्रोरी इमेज। और यहाँ पे वी वुड फाइंड विल पास टेम्प इमेज, एंड नाउ वी वुड राइट cv2 dot wait की में जीरो, ठीक है। सो ये हमारा इमेज था, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। हमारा इनपुट ये था दिस वन, ये इमेज। अब देखते हैं कि डेटाबेस में से कौन सा इमेज रिकमेंड होता है, एंड यू कैन सी दिस इज द इमेज, ये इमेज रिकमेंड हो रहा है। हम चाहते थे उसको थोड़ा रिसाइज कर सकते थे, बट यू कैन सी हमारा कोड इज वर्किंग। एक और टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, लेट्स यूज this one, Satya, this is Manoj Bajpayee. So I will go back and I would write satya.jpg, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, and you can see Manoj Bajpayee दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा कोड काम कर रहा है, और अब बस एक लास्ट काम करना है, और वो ये है कि हमें इस पूरे लॉजिक को एक स्ट्रीमलेट वेब ऐप में कन्वर्ट करना है सो दैट आप उसको किसी को भी दिखा पाओ और वो इसको यूज कर पाए। टू मेक अ स्ट्रीमलेट वेब ऐप फर्स्ट ऑफ ऑल विल क्रिएट अ न्यू फाइल, इस फाइल का नाम हम लोग ऐप रख देते हैं, और सबसे पहले आपको स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ये कमांड लिखना पड़ेगा pip install streamlet। और स्ट्रीमलेट मेरे में पहले से इंस्टॉल है, मैं ये कमांड नहीं लिख रहा। और उसके बाद आप लिखोगे इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एज ST, ठीक है। अब एक बार हम लोग एक वेब पेज बना लेते हैं, ST.title में हम लिखते हैं
which Bollywood celebrity are you? Question mark. ये हमारा टाइटल होगा और दैट्स इट. एक बार इस कोड को हम लोग रन करते हैं. स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन रन करने का तरीका है कि आप टर्मिनल पे जाओ और आप ये कमांड लिखो, स्ट्रीमलेट रन, आपकी फाइल का नाम app.py. जैसे आप इसको रन करोगे बिहाइंड द सीन्स एक सर्वर ऑन हो जाएगा और ये रहा आपका स्ट्रीमलेट वेब ऐप. ठीक है, इट्स रनिंग. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें दो तीन स्टेप्स में काम करना है. सो पहला स्टेप ये होगा कि हम यूजर से एक इमेज मांगेंगे. इसका मतलब हमें फाइल अपलोड करवाना है. द गुड पार्ट इज कि स्ट्रीमलेट में ऑलरेडी ये फंक्शनैलिटी है. या तो सिंपली राइट st.fileuploader, ये एक फंक्शन है और यहाँ पे आप सिंपली ये लिख सकते हो choose an image. और जो भी यूजर देगा वो बाइनरी फॉर्मेट में, एक्चुअली बाइट स्ट्रीम की तरह, आपके पास एक वेरिएबल में आ जाएगा. लेट्स कॉल इट अपलोडेड इमेज. ठीक है, अब यहां पर आप एक सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट लिखोगे, इफ अपलोडेड इमेज इज नॉट नन. अगर वो नन नहीं है तो ही हम उसके ऊपर काम करेंगे. काम क्या करना है, स्टेप वन इज सेव द इमेज इन अ डायरेक्टरी. ठीक है, तो एक डायरेक्टरी हम बना रहे हैं और डायरेक्टरी का नाम रख रहे हैं अपलोड्स. यहीं पर आके अपलोड होगा. ठीक है, और हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे ऊपर जाकर के. यहां पर इस फंक्शन का नाम होगा सेव अपलोडेड फाइल. हम इसको एक अपलोडेड फंक्शन, अपलोडेड इमेज देंगे और ये उसको अपलोड कर देगा. बट फिलहाल इसका लॉजिक हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे. इस फंक्शन का काम है कि ये जो इमेज है इसको अपलोड फोल्डर के अंदर डालना. ठीक है, यहां पर आप चेक कर सकते हो इफ सेव अपलोडेड फाइल. ये सही से अगर काम करेगा, एक्चुअली इसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू या फॉल्स होगा अगर ये सही से काम करेगा. और यहाँ पे हम ऑब्वियसली भेज भी सकते हैं ऑलरेडी अपलोडेड फाइल को, अपलोडेड इमेज जो भी है. यहाँ पे भी नाम रख देते हैं अपलोडेड इमेज और यहाँ पे भी नाम रख देते हैं अपलोडेड इमेज. सो अगर फाइल सही से अपलोड हो गया, अब यहाँ पे हमें तीन चार स्टेप्स में काम करना है. सबसे पहले लोड द इमेज, उसके बाद हमें फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं और उसके बाद उसका डिस्टेंस सारे के सारे इमेजेस से निकाल के डिस्टेंस हमें जो सबसे सिमिलर इमेज है उसको रिकमेंड करना है. तो थर्ड स्टेप होगा रिकमेंड. ठीक है, सो लोड करना बहुत सिंपल है, हम PIL यूज करेंगे उसके लिए. सो वी वुड सिंपली राइट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज और यहां पे हम लिखेंगे इमेज डॉट ओपन और यहां पे हमें बस बता देना है कि कौन सी फाइल है, अपलोडेड इमेज. और इसको हम लोग फिलहाल एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, डिस्प्ले इमेज. इसको हम लोग यूज करेंगे, इस पूरी चीज को हम लोग यूज करेंगे टू डिस्प्ले द इमेज. जो यूजर ने अपलोड किया है वो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए, लेट मी शो यू. आप सिंपली लिख सकते हो st.image डिस्प्ले इमेज. ठीक है, इस पूरे कोड से क्या हो रहा है कि यूजर जो फाइल अपलोड कर रहा है वो झट से आप दिखा पाए हो और उसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा. लेट मी शो यू. अगर हम इसको रीलोड करें, ब्राउज फाइल्स पे जाएं और ML प्रोजेक्ट्स में आई गो टू बॉलीवुड सेलिब्रिटी प्रिडिक्टर सैम्पल, ये फाइल हमने अपलोड की, ये फाइल झट से दिखाने के काम आएगी. ओके, यहाँ पर एक एरर है, यहाँ पर हमें अपलोडेड इमेज मिलेगा और यहाँ पे फिलहाल हम लोग ट्रू रिटर्न कर देते हैं. फिलहाल ये लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए, या सो यू कैन सी वो काम कर रहा है. अगर मैं ये इमेज डालूं
तो ये डिस्प्ले हो रहा है, ये वो यूजर, ये वो इमेज है जो यूजर को दिखाई दे रही है, उसने जो अपलोड किया। तो यहाँ पे वॉट वी कैन डू इज वी कैन ऑल्सो राइट एसटी डॉट, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है फिलहाल ऐसा ही रहने देते हैं, फिलहाल इतना काफी है। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका काम होगा फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना। ये हमारा फीचर एक्सट्रैक्टर होगा, एक्सट्रैक्ट फीचर्स। इसको दो चीजें मिलेंगी, इमेज पाथ एंड मॉडल, और ये हमें रिटर्न करेगा फीचर्स। रिटर्न फिलहाल ट्रू रिटर्न कर दे रहा है, बट बाद में फीचर्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली एक और हमारे पास फंक्शन बनेगा रिकमेंड बोल के, और इसको हम लोग देंगे रिजल्ट जो करेंट, लेट्स कॉल इट फीचर, जो करेंट इमेज हमने अपलोड किया उसके फीचर्स होंगे ये, और ये हमें कंपेयर करके रिजल्ट देगा। ठीक है, फिलहाल ये सेटअप है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक्सट्रैक्ट फीचर्स को कॉल करना है, और हमें यहाँ पे दोनों इनपुट्स देने हैं। ये पलट करके मुझे क्या देगा, मुझे ये फीचर्स देगा करेंट इमेज के, जो हम लोग अपलोड करेंगे उस इमेज के फीचर्स देगा। और रिकमेंड करते टाइम हमें बस रिकमेंड फंक्शन को कॉल करके फीचर्स पास कर देना है, और वो मुझे पलट करके इंडेक्स पोजिशन देगा उस फोटो का, उस इमेज का जो सबसे सिमिलर होगी हमारे अपलोडेड इमेज से। ठीक है, और उसके बाद बस हमें लास्ट स्टेप में डिस्प्ले करना है। तो दिस इज द कोर आइडिया। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके ये जो स्केलेटन कोड लिखा है इसको हम लोग फिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सेव अपलोडेड इमेज का कोड दिखाता हूँ, फिर हम लोग एक्सट्रैक्ट फीचर्स करेंगे, और फिर हम लोग रिकमेंड का कोड लिखेंगे, और लास्टली जो डिस्प्ले करना है हम उसका कोड लिखेंगे। सो फाइल को सेव करने का कोड बहुत ही सिंपल है, आपको बस एक ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट लिखना है, जिसके अंदर आपको लिखना है विथ ओपन, और यहाँ पे आपको ओएस डॉट पाथ प्रोवाइड करना है जॉइन, और हमारा जो पाथ है वो है अपलोड्स, और हमारा जो अपलोडेड फाइल है उसका नाम। सो अपलोडेड इमेज ऑलरेडी मुझे मिल रहा है, यू कैन सी ये मुझे मिल रहा है। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है फाइल नेम बोल, ठीक है, उससे मुझे एक्चुअली फाइल नेम नहीं होता शायद, ये सिर्फ नेम होता है। और इतना करने के बाद हमें इसको राइट बाइनरी मोड में ओपन करना है, एंड वी हैव टू कॉल इट एज एफ, और यहाँ पे बस आपको लिख देना है एफ डॉट राइट, और राइट के अंदर अपलोडेड इमेज डॉट गेट बफर। सो बफर से जितना भी डेटा है वो सब हम लोग फेच करके राइट कर दे रहे हैं उस फाइल के ऊपर, और फिर हम लोग जा रहे हैं एक्सेप्ट में, और यहाँ पे अगर काम हो जाए तो वी विल रिटर्न ट्रू, और फिर हम लोग लिखेंगे एक्सेप्ट रिटर्न फॉल्स। सो अगर ये काम सही से हो जाता है तो हम लोग ट्रू रिटर्न करेगा ये फंक्शन, और अगर नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और हमें इंपोर्ट लेना पड़ेगा ओएस का। ठीक है, सो ये रहा हमारा सेव अपलोडेड फाइल वाला फंक्शन। ठीक है, सो ये पार्ट अब काम करने लग गया, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। सो इफ आई गो बैक एंड इफ आई रीरन ब्राउज फाइल, ये इमेज को मैंने अपलोड किया, यहां पे कुछ एरर आ रहा है, बट अगर हम वापस जाएं और अपलोड्स में जाएं तो यू कैन सी ये दोनों फाइल्स अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो फाइल अपलोड काम कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट फोकस करेंगे एक्सट्रैक्ट फीचर्स के ऊपर। सो गाइस, एक्सट्रैक्ट फीचर्स जो हमारा फंक्शन है, इसके तीन काम है। पहला काम ये है कि ये इमेज को लोड करेगा इमेज पाथ से, उसके बाद एम्प्टी सीएनएन अप्लाई करके फेस डिटेक्ट करेगा उस इमेज के अंदर। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा कि उसको मॉडल के अंदर डालेगा, एज इन आपके वीजीजी फेस मॉडल के अंदर डालेगा, और फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो स्टेप वन में आपको क्या करना है, इमेज को लोड करना है फ्रॉम इट्स पाथ। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीवी टू को इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ओपन सीवी को, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीवी टू डॉट आई एम रीड, और यहाँ पे आई विल पास इमेज पाथ जो भी मुझे यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है,
और इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लेट्स कॉल इट इमेज। अब इसके बाद का कोड बहुत कुछ इसकी तरह है जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। आपको सिंपली क्या करना है, एक एम्प्टी सीएनएन का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम एम्प्टी सीएनएन इम्पोर्ट एम्प्टी सीएनएन, ठीक है। और इसका एक ऑब्जेक्ट भी मैं बना देता हूँ, लेट्स कॉल इट डिटेक्टर इज इक्वल टू एम्प्टी सीएनएन, ठीक है। और जब हम इस फंक्शन को भेजेंगे, कॉल करेंगे एक्सट्रैक्ट फीचर्स को, तो हमें साथ में डिटेक्टर भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लिखना है डिटेक्टर डॉट डिटेक्ट फेसेस, और यहाँ पे आप पास कर दोगे इमेज को और पलट के मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके आगे का कोड बहुत सिमिलर है, ठीक है। लेट मी शो यू, आपको बस ये सारा कोड एज इट इज कॉपी करना है यहां तक, एज इट इज कॉपी करना है और यहां पे पेस्ट कर देना लाइक दिस, ठीक है। यहां पर आप सैंपल इमेज के बदले इमेज बोल रहे हो, नंपाई मिसिंग है सो हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, और ये सारे इंपोर्ट्स लेने पड़ेंगे, ये दोनों, इनफैक्ट ये सारे ही इंपोर्ट्स हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जो भी रिपीट हो रहा है उनको हम हटा देंगे, जैसे कि नंपाई हमने ऑलरेडी लिख रखा है उसको हटा रहे हैं, पिकल चाहिए है, CV2 ऑलरेडी लिखा हुआ था, NPCNN लिखा हुआ था, PIL इमेज लिखा हुआ था, ठीक है। ये सारे हमने इंपोर्ट्स ले लिए, वो एरर्स चले गए, और यहाँ पे रिटर्न कर देना है हमें रिजल्ट को, ठीक है। और एक लास्ट चीज क्या करनी है, ये मॉडल हमें बनाना है। सो मॉडल बनाने का काम बहुत ही सिंपल है, मॉडल हमने यहाँ भी बनाया था, ये रहा हमारा मॉडल, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ इस जगह पे। सो अब जब हमें एक्सट्रैक्ट फीचर्स को कॉल करना है तो यहाँ पे मुझे पाथ देना है, और पाथ क्या होगा, पाथ होगा ओएस डॉट पाथ डॉट जॉइन अपलोड्स के अंदर अपलोडेड इमेज डॉट नेम, ये फाइल हमें, ये फाइल का पाथ है, इसके साथ हमें देना है मॉडल और इसके साथ हमें देना है डिटेक्टर, और ये फंक्शन पलट करके हमें फीचर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये फीचर्स है, एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट आउट करके, लेट्स सी एसटी डॉट टेक्स्ट के अंदर कि फीचर्स कैसा दिखता है, और एसटी डॉट टेक्स्ट के अंदर फीचर्स का शेप क्या है, इट शुड बी 2048, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड, तो अगर हम इसको सेम इमेज के साथ दोबारा रन करें, यू कैन सी ये है वो सारे फीचर्स, और ये दिखाई दे रहा है कि 2048 इसका शेप है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये फंक्शन अब काम कर रहा है। अब हम एक लास्ट फंक्शन बनाना है रिकमेंड, जिसको हम अपने करेंट इमेज का फीचर देंगे और ये पलट करके हमें क्या देगा, सिमिलर जो इमेज है उसका इंडेक्स पोजीशन। अब ये कोड भी बहुत सिमिलर है, हमें ये पूरा कोड कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है एज इट इज। अब हमें सबसे पहले फीचर लिस्ट चाहिए, रिजल्ट के बदले ये वाला फीचर आ जाएगा, फीचर लिस्ट अभी भी हमारे पास नहीं है। फीचर लिस्ट कहाँ से आएगा, बहुत सिंपल है, आपको पिकल करना है। सो आप लिखोगे फीचर लिस्ट इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन एम्बेडिंग डॉट पीकेएल रीड बाइनरी मोड, ठीक है। ये रहा मेरा फीचर लिस्ट। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली कुछ भी नहीं करना है, लास्ट में बस इंडेक्स पोजीशन को रिटर्न कर देना है, दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, हम प्रिंट करते हैं एस टी डॉट
टेक्स्ट के अंदर जो भी इंडेक्स पोजीशन रिटर्न हो रही है, ठीक है। ऑल्सो हम एक काम कर सकते थे, यहाँ पे फीचर लिस्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते थे, ये ज्यादा सही तरीका होता। और यहाँ पे रिकमेंड करते टाइम हम फीचर लिस्ट पास करते लाइक दिस, ठीक है। और या सही है, यहाँ पे भी इसको फीचर्स ही बोल देते हैं कंटिन्यूटी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, यहाँ क्योंकि हम फीचर्स बोल रहे हैं तो सेम फीचर्स बोलना सही रहेगा। अब हम वापस जाते हैं और रीलोड करते हैं, एंड 938 जो इमेज है हमारे डेटाबेस में उससे मैच कर रहा है ये इमेज, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, उस इमेज को डिस्प्ले करवाना है। तो इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा क्लीन अप कर रहा हूँ मैं। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम राइटिंग दिस कॉलम वन कॉलम टू इज इक्वल टू एसटी डॉट बीटा कॉलम्स, दो कॉलम्स बना रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ विथ कॉलम वन, आई एम राइटिंग विथ कॉलम वन, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एसटी डॉट हेडर में योर अपलोडेड इमेज, और यहाँ पे ये जो मैंने इमेज डिस्प्ले कर रखा है इसको मैं कट कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पहला स्टेप। और विथ कॉलम टू में मुझे क्या करना है, जो मेरे पास इंडेक्स पोजिशन है मुझे उस इमेज को डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो या सही है। और इस जगह पे हम लिखेंगे एसटी डॉट हेडर सीम्स लाइक, फिलहाल एक्स लिख देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता वो एक्टर कौन है, और यहाँ पे हमें उस इमेज को डिस्प्ले करना है एसटी डॉट इमेज। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले फाइल नेम्स को लेके आना है जो हमने एक पिकल फॉर्म पिकल फाइल के फॉर्म में रखा हुआ है। सो हम लिखेंगे फाइल नेम्स इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन फाइल नेम्स डॉट पी के एल, रीड बाइनरी मोड में ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स पोजिशन, ये रहा वो इमेज जो हमें चाहिए। अब इफ आई गो बैक, लेट्स सी, यहाँ पे वो इमेज आना चाहिए, एंड यू कैन सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो अमिताभ बच्चन रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं कि विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेट्स से 300 दे दिया हमने, उससे इमेज थोड़ा बड़ा दिखाई देगा लाइक दिस, ठीक है। अब हमें बस ये नाम एक्सट्रैक्ट करना है कि अमिताभ बच्चन है, और ये नाम कहाँ से मिलेगा, ये इस जगह पे मिलेगा, लेट मी शो यू। अगर आप यहाँ पे हेडर में ये लिख देते फाइल नेम्स इंडेक्स पोजिशन तो आपको ये आउटपुट दिखाई देता, सीम्स लाइक ये पूरा का पूरा पाथ आता। मुझे क्या करना है, इस पाथ से अमिताभ बच्चन एक्सट्रैक्ट करना है। सो व्हाट आई विल डू इज मैं इस पूरी चीज को स्प्लिट करूंगा ऑन टॉप ऑफ दिस स्लैश लाइक दिस, और अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसमें से मुझे सेकेंड आइटम को एक्सट्रैक्ट करना है, सेकेंड आइटम है वन, सिर्फ अमिताभ बच्चन आ रहा है। अब हमें इसको फिर से स्प्लिट करना है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्कोर, अब देखते हैं क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अब मुझे इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, तो हमें लिखना पड़ेगा इस पूरी चीज के आगे स्पेस डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लग जाएगा एंड इट विल लुक लाइक दिस, अमिताभ बच्चन, ठीक है। अब मैं पूरे कोड को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा प्रेडिक्टेड। इनफैक्ट हम एक काम कर सकते हैं, यहीं पर जहाँ पर इंडेक्स पोजीशन निकला है उसके नीचे वाली लाइन में ही आई कैन राइट दिस प्रेडिक्टेड एक्टर इज इक्वल टू दिस, और यहां पे आई कैन राइट सीम्स लाइक स्पेस प्लस प्रेडिक्टेड एक्टर, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड,
एंड दिस इज द आउटपुट। ठीक है, सो एक काम और कर सकते हैं, ये दोनों चीजों को आप प्रिंट करने की जरूरत नहीं है एंड दैट वुड बी इट। अब हम एक नई फाइल के साथ टेस्ट कर लेते हैं, जैसे हमने ब्राउज फाइल पे हम गए और यहां से हमने सेलेक्ट किया रणवीर सिंह का फाइल एंड दैट्स इट गाइस, दिस इज योर प्रोजेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। अब एक दो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। सो गाइस, प्रोजेक्ट तो हो गया, अब मुझे आपके साथ दो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि आप कैसे इस प्रोजेक्ट को और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो पहला पॉइंट है कि आप इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो बाय एडिंग मोर सेलिब्रिटीज। इस पॉइंट पे हमारे पास सिर्फ 100 सेलिब्रिटीज का डेटा है, सो कोई भी फोटो आप अपलोड करो वो इन 100 सेलिब्रिटीज में से कोई एक ही होगा। आप ये कर सकते हो कि कॉन्फिडेंस स्कोर लगा सकते हो, उस कॉन्फिडेंस स्कोर के ऊपर ही आप रिजल्ट दिखाओगे, उसके नीचे आप ये मैसेज दे सकते हो कि आपकी शक्ल किसी भी सेलिब्रिटी से नहीं मिलती है। बट अगर आपको इसको इम्प्रूव करना है तो यू कैन ऐड मोर सेलिब्रिटीज, नॉट ओनली फ्रॉम बॉलीवुड, यू कैन ऐड क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, द क्वेश्चन इज कि कैसे, बहुत सिंपल है वैसे तो। आपको फोल्डर क्रिएट करना है हमारे डेटा में, ये जो हमारा डेटा है इसके अंदर आपको बस फोल्डर क्रिएट करना है और फोल्डर के अंदर फोटोज डाल देनी है। ठीक है, और आपको फिर से फीचर एक्सट्रैक्टर को रन कर देना है फिर से। ठीक है, तो फीचर्स दोबारा से कैलकुलेट हो जाएंगे, ये अप्रोच है। बट अब इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि आपको इंडिविजुअली जाकर के फोल्डर क्रिएट करना पड़ रहा है और यू नो फोटोज एक एक करके डाउनलोड करके डालना पड़ रहा है उस फोल्डर के अंदर। तो मुझे एक लाइब्रेरी मिली है जो इस काम को ऑटोमेट करती है, इसका नाम है बिंग इमेज डाउनलोडर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार आपको ये चला करके दिखाता हूँ। मैं एक फाइल नया बना रहा हूँ और लेट्स कॉल दिस फाइल डेटा डाउनलोडर। सबसे पहले आपको टर्मिनल पे जाकर के कंट्रोल सी प्रेस करना है, आपका वेब ऐप बंद हो जाएगा स्ट्रीमलेट वाला, और उसके बाद आपको ये पिप इंस्टॉल रन करना है लाइक दिस, और ये इंस्टॉल हो गया। अब इन्होंने एक सैंपल कोड दे रखा है कि आपको बस इतना कोड लिखना है, सॉरी यू हैव टू जस्ट राइट दिस मच कोड। यहां पे मैंने उस कोड को पेस्ट कर दिया और व्यू में जाकर के एक्टिव एडिटर सॉफ्टवेयर ऐप कर दिया। अब यहाँ पे आपको लेट्स से विराट कोहली के इमेजेस चाहिए, तो आप लिख सकते हो विराट कोहली। ये क्या करेगा, जाकर के आपका यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना देगा डेटा सेट बोल के, उसके अंदर एक फोल्डर बना देगा विराट कोहली और 100 फोटोज डाउनलोड कर देगा विराट कोहली के बिंग से। ठीक है, एक बार रन करते हैं इसको। और ये देखो, ये साथ ही साथ हमें एक आउटपुट दे रहा है कि अलग अलग इमेजेस डाउनलोड कर रहा है अलग अलग यूआरएल से। थोड़ा वेट करते हैं, लेट्स सी क्या हो रहा है। सो गाइज, थोड़ा टाइम लग रहा था इसके, मैंने इसको बीच में बंद कर दिया, बट इसने फिर भी अराउंड 40 इमेजेस डाउनलोड कर दिए। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो, डेटा सेट ये रहा विराट कोहली का फोल्डर, और इसके अंदर अगर आप जाओ तो ये रहे आपके सारे इमेजेस विराट कोहली के। अब इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि ये कंप्लीट फोटोज हैं, तो आपको एक बार इनके ऊपर MTCNN चलाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इनको यूज नहीं कर सकते। और कुछ फोटोज ऐसे होंगे जैसे कि ये फोटो है, इसमें देर आर मल्टीपल पीपल, तो इस तरह की फोटोज भी आपको हेल्प नहीं करेंगी, आपको इनको मैन्युअली हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा काम है, बट इस छोटी सी लाइब्रेरी, इस छोटे से टूल की वजह से क्या हो सकता है कि आप खुद के डेटा सेट्स विद इन अ डे बना सकते हो। ठीक है, तो ये बस मुझे आपको दिखाना था। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि आप बहुत ईजिली इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। द गुड पार्ट इज कि यहाँ पर आपको एक बार आपने जब एम्बेडिंग्स जनरेट कर ली, उसके बाद आपको इस डेटा की जरूरत है नहीं सर्वर के ऊपर। ठीक है, आपको सिर्फ ये एम्बेडिंग वाली फाइल चाहिए, यू डोंट नीड दिस डेटा
ऑन योर सर्वर. आप सिंपली क्या कर सकते हो कि हर एक्टर का एक एक इमेज रख लो जो आप आउटपुट दिखाते टाइम यूज करोगे, बट बाकी सारे इमेजेस की हमें जरूरत नहीं है. तो आप बहुत इजीली इस प्रोजेक्ट को Heroku या फिर AWS के ऊपर होस्ट कर सकते हो, सो दैट और लोग जो हैं वो यूज कर पाए. मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया और मैंने पास में बहुत सारे डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं. आप मेरा कोई भी प्रीवियस वीडियो देख करके इसको डिप्लॉय कर सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिखो, मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द प्रोजेक्ट गाइज. सो दैट वॉज द प्रोजेक्ट गाइज. आई होप आपको पसंद आया, आपने साथ में किया, आपका भी काम कर रहा है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में बता सकते हो कि क्या इशू हो रहा है. अगर आपके पास कोई और प्रोजेक्ट सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो. लास्टली रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स इसमें इंटरेस्टेड है तो आप उनको शेयर भी कर सकते हो. ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.